मैंने सियासत छोड़ने का नाम लिया, पीटीआई छोड़ने का नाम तो नहीं लिया। कैटरीना के साथ आपने जो मूवी नहीं की उसकी रीजंस क्या थी? मैंने मूवी करनी नहीं थी कोई, मैं एक्टिंग का ही इतना शौक नहीं था। अगर एक्टिंग में भी मैं आता तो मेरी कोशिश तो यही होती कि मैं हीरो आता। जो मूवीज की ऑफर्स हुई थी इंडिया से भी मूवी की, पंजाबी मूवीज की ऑफर्स भी आई थी मुझे। पॉलिटिक्स आपका म्यूजिक का करियर खा नहीं गई? खाया नहीं है, इसने थोड़ा थोड़ा सा खाया, ऐसे चक्कियां मारी हैं उस पे। 15 साल पहले कह दिया था कि म्यूजिक चेंज होने का वक्त आया, अगर ये बाद में हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जो ना सिर्फ गाते हैं बल्कि सोशल वर्क भी करते हैं, उस्ताद भी हैं, लिखते भी हैं और सियासतदान भी हैं। तो आज हम इनसे कुछ रूटीन से हटकर बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा अब्रार, सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि सियासत को आपने कोई एक दहाई से ज़्यादा दी, फिर आपने एक वक्त आया कि सियासत को आपने खैरबाद कह दिया, वो खैरबाद कह दिया है या आप वापस फिर से आने वाले हैं? नहीं, फ़िलहाल तो खैरबाद कहा हुआ मैंने, क्योंकि सियासत हो जो नहीं रही तो फिर सियासत करने का क्या फ़ायदा, जब होगी तो फिर देखेंगे। अच्छा फ़िलहाल खैरबाद का, यानी कि आपने, अच्छा पीटीआई आपने छोड़ दी? मैंने सियासत छोड़ने का नाम लिया, पीटीआई छोड़ने का नाम तो नहीं लिया। अच्छा अच्छा, जब सियासत छोड़ने का आपने बात की है तो फिर पीटीआई? लेकिन हर शख्स की किसी ना किसी पार्टी के साथ एफिलिएशन होती है। ठीक है, कोई उनके साथ टाइम गुजरा होता है, आपके दोस्त होते हैं, आपके आप उनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप पॉलिटिक्स में रह के ही, एक्टिव पॉलिटिक्स में रह के ही आप उनको सपोर्ट करें। एक आम शख्स भी जो है वो वोट डालता है, वो वोट डालता है तो वो एक सियासी अमल कर रहा होता है। और मैं समझता हूँ इस वक्त एक डॉर्मेंट पोजीशन में हम भी हो सियासी अमल कर। अच्छा ये बताएगा, इमरान खान साहब के साथ जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है या गलत हो रहा है? सबके सामने है मैं समझता हूँ, और इसके ऊपर तो कुछ बोलने की या कहने की गुंजाइश ही मौजूद नहीं है। तो मेरी दुआ है कि जल्द अज जल्द जो है वो हमें सैनिटी प्रिवेल करती हुई नज़र आए और हम आगे एक अच्छा मुस्तकबिल देखें पाकिस्तान का, जिसमें किसी को मौका ना मिले कि वो हमारे मुल्क के बारे में या हमारे मुल्क के अंदर राइज डेमोक्रेसी के बारे में नेगेटिव बात कर सके। ठीक है, यानी सपोर्ट आपकी इमरान खान साहब के साथ स्टिल मौजूद है? जी बिल्कुल। ठीक है, अच्छा ये बताइएगा, पिछले दिनों आपने एक इंटरव्यू दिया, उसमें आपने कैटरीना कैफ के साथ फिल्म ऑफर होने की बात की, तो बहुत सारे लोगों ने उसको वो हजम नहीं कर सके, उसकी वजह क्या आप देखते हैं? मुझे तो खुद समझ में नहीं आई, हैरान ही हुआ था मैं, हालांकि कोई ऐसी बात मेरे लिए तो वो नहीं थी कि वो पहले तो मैं उस वक्त हैरान हुआ जब उन्होंने मुझे ऑफर की। लेकिन चूंकि उनका कॉन्सेप्ट इस तरह था कि एक सिंगर था पाकिस्तान से और एक इंडिया से और एक लड़की के पीछे होते हैं दोनों, उस तरह का इंटरेस्टिंग लगा मुझे। अच्छा। तो लेकिन वो बज़ाहिर है मैंने नहीं करनी थी मूवी, तो मैंने नहीं की। अच्छा। लेकिन बाज़ वक़्त लोग किसी और वजह से एक दफ़ा जेलसी में भी इस तरह कर लेते हैं, तो मैं हमारे मुल्क में हर तरह के लोग होते हैं, सो माइंड नहीं करता मैं इन चीज़ों को। लेकिन इस्लाह के लिए उनको ज़रूर बताने की ज़रूरत होती है कि सोचने के और भी जाविये हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ आप जिस तरह से सोचते हैं वही एक दुरुस्त चीज़ है, मुख्तलिफ लोग। और फिर अपना वैल्यू सिस्टम जो है उसको बताने की भी ज़रूरत है कि आप ये भी अडॉप्ट कर सकते हैं कि अपने मुल्क को, अपनी वैल्यूज़ को किसी ऐसी अपॉर्चुनिटी पर तरजीह भी आप दे सकते हैं। तो ये भी मैंने उसमें एक पैगाम देने की कोशिश की। अच्छा तो ये बताइएगा कि कैटरीना के साथ आपने जो मूवी नहीं की उसकी रीजंस क्या थी? मैंने मूवी करनी नहीं थी कोई, मैं एक्टिंग का ही इतना शौक नहीं था, और मैं तो म्यूज़िक की जो वीडियो रिकॉर्ड करनी होती है उसमें बड़ा परेशान हो जाता हूँ। वैसे मैं एक्टर्स को सलाम पेश करता हूँ कि इनकी बड़ी हिम्मत होती है कि ये इतनी देर तक एक्टिंग कर सकते हैं, ड्रामे रिकॉर्ड कराते हैं, बड़ा मेहनत तलब काम भी है। ये नहीं कि मैं मेहनत नहीं करना चाहता, लेकिन मैं समझता हूँ जो काम कर रहा हूँ वही अच्छे तरह से मैं कर लूँ तो कोई हर्ज नहीं है। वैसे आप एक्टिंग, हम जानते हैं, अच्छी कर लेते हैं आप मुझे भी, नहीं मिमिक्री भी आप अच्छी करते हैं, आप में कॉन्फिडेंस है, एक्सप्रेशंस के साथ आप जो है वो बात, लेकिन उसके साथ साथ खैर आपका जो यू नो आपको लगना भी चाहिए कि आप यू नो अच्छा एक्टर, एक तो खूबसूरत ज़्यादा होना ज़रा वो भी ज़रूरी होता है, वो भी एक उसकी डिमांड होती है। अच्छा। मैं ज़रा पूरा जैसा सोना हुआ
तो मैं इनका बस ठीक है जो मैं काम कर रहा हूँ। इब्रार पूरा जिया सोना, नसीरुद्दीन शाह, सुनील शेट्टी और भी बहुत सारे लोग हैं। अगर ये खूबसूरती मयार होता तो फिर बहुत सारे लोग ओमपुरी जैसे लोग। बात तो आपकी दुरुस्त है, वो अपने कैरेक्टर के अंदर रह के अच्छा काम कर रहे हैं और वो अच्छे लोग हैं। तो खैर मैं चूँकि अगर एक्टिंग में भी मैं आता तो मेरी कोशिश तो यही होती कि मैं हीरो आता। अच्छा, तो आप हीरो के लिए अगर अच्छी शक्ल का होना और ज्यादा जरूरी होता है। अच्छी भली तो आपकी शक्ल है, लड़कियां आप पे जैसे ही आप आए थे, जैसे आप आए थे शोबिज इसमें अपने म्यूजिक की दुनिया में, जब लड़कियों को पता चला कि बिल्लो देकार एक तो मेरा इंतजार कर रही थी पहले से। नहीं, इतने खूबसूरत लड़के ने गाया है, आपको भी पता है कि आपकी आप पे लड़कियां मरती थी। ठीक है, तो आप कैसे कह सकते हैं मुझे खुश कर दिया आपने मुझे, तो ये प्रोमो निकाल के बार बार चलाओ ना ये कि मैं खूबसूरत शख्स हूँ। नहीं तो उस वक्त आपको ऑफर्स नहीं आई थी ड्रामों की? हुई थी मुझे, हुई थी मुझे मूवीज की ऑफर्स हुई थी, इंडिया से भी मूवी की, पंजाबी मूवीज की ऑफर्स भी आई थी मुझे, लेकिन नहीं मैंने की। मैं म्यूजिक ही बड़ी मुश्किल से कर रहा था, सुस्त भी हूँ मैं थोड़ा सा, काम मैं लटका देता हूँ और गाना लिखने में टाइम लग जाता है, फिर प्रोड्यूस करने में टाइम लगता है वो सारा, फिर साथ पॉलिटिक्स शुरू कर ली तो फिर और ज़्यादा। नहीं तो ये पॉलिटिक्स आपका म्यूजिक का करियर खा नहीं गई? खाया नहीं है, इसने थोड़ा थोड़ा सा खाया, ऐसे चकियाँ मारी हैं उस पर, चकियाँ मारी हैं। हाँ, तो उस लॉस को कैसे पूरा करेंगे? वो उसको वापस ठीक कर रहा हूँ मैं, उसको सी रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। सी रहे? अच्छा, ये बताइएगा कि म्यूज़िक बहुत चेंज हो गया ना अभी, जैसे थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे कि इवन जो लिरिक्स लिखने का अंदाज है या वो रुझान है वो भी काफ़ी चेंज है, लोग कुछ डिफरेंट सुनना देखना चाहते हैं, कितना चेंज हुआ म्यूज़िक पिछले 20 साल? तो तय है कि किसी ने कहा था नथिंग इज परमानेंट एक्सेप्ट चेंज। सही, तो चेंज आप नहीं करेंगे तो आप फेड अप हो जाएंगे। जब आप फेड अप होंगे किसी एक चीज़ से तो नेचुरली उसमें आप चाहेंगे मैं आप कुछ और थोड़ा सा करें, चेंज करें। तो मैंने आज से 15 साल पहले कह दिया था कि म्यूज़िक चेंज होने का वक्त आया। अगर ये बाद में हुआ कि मुझे लगता था रैप का ज़माना आएगा, क्योंकि उस वक्त US में रैप चल रहा था, तो अगरचे उसमें बड़ी गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल होती थी, तो मुझे मेरी दुआ थी कि ऐसा ना हो कि हमारे नौजवान भी इनसे इंस्पायर होके बुरी लैंग्वेज में पाकिस्तानी जबान में रैप लिखना शुरू कर दें। ठीक है, शुक्र है वो आया नहीं, एक आध केसेस ऐसे हुए हैं, लेकिन शुक्र है कि वो ज़्यादा हिट नहीं हुए, क्योंकि नौजवानों का कैरेक्टर ठीक रहना और अच्छी बात सुनना और कहना भी ज़रूरी है। बहरहाल ट्रेंड साथ साथ चेंज होता रहता है, जो भी पसंद आती थी। लेकिन साथ ही साथ एक चीज़ जहन में रखें कि कोई एक गाना जब सुपर हिट हो जाता है, चाहे वो किसी जॉनर का गाना हो, वो भी एक नया ट्रेंड बना देता है। फिर जिस तरह मैं आया था तो उससे पहले आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बाप मन जाए, इस टाइप का म्यूजिक चल रहा था, दिल दिल पाकिस्तान जा, वो तो खैर हमेशा रहने वाला गाना है, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये सारे ही बहुत और ये लेजेंड्स के गाने हैं। तो लेकिन वो आजाद जाना बिलो द घर बेगिन गिन जाना, तो उसमें एक एनर्जी आई, भंगड़ा दे भंगड़ा दे भंगड़ा दे, वो भंगड़ा पहले नहीं था, तो वो एक थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ। फिर हर बंदे ने नाच बना बढ़ नाच बना बढ़ नाच बना बढ़ वाण गुटे आनी वाण, ये हो गया। हाँ, तो इसमें एक चेंज अब नज़र आती। अब करते करते फिर अब और ज़्यादा थोड़ा सा पहले फिर सैड सॉन्ग्स की तरफ आ गया, आतिफ का एक ज़माना आया, आतिफ का आया। अब आतिफ के बाद अभी एक और रैप और जिस तरह इंडियन समझ लें कि वो अगरचे मेरा वो वाला म्यूजिक जो जट चढ़िया कचहरी था, या जो होया ना कोई जज को फैसला कचहरी आपे ला ली जट ने, उसी तरह के बड़े मोड़े ने ट्रालियां च पा के जट ना कलैश कर दे, उसी तरह की पोइट्री और वही गंडासा और वही मार देंगे छुरियां और ये वो। फिर उनका एक सिंगर जो मर्डर हो गया था वहाँ, हाँ जी, वो सिद्धू मूसे वाला, उसकी पोइट्री वो भी देखें तो आपको वो जट वाले गानों की एक नजर आएगी बाजगश्त उसमें। तो उस तरह का ट्रेंड शुरू हुआ, तो बैक वक्त थोड़ा सा रोमांटिक गाने और थोड़े से उस टाइप वाला म्यूजिक जो है हमें वो मिक्सचर सा नजर आ रहा है आजकल। अच्छा ब्रांड, कैसा लगता है कि आज भी आपके गानों को बॉलीवुड में कॉपी किया जाता है? अच्छा भी लगता है, बुरा भी लगता है, मिक्स्ड ही होती जी। कम से कम क्रेडिट देना चाहिए उनको अगर आप ऐसा कुछ बनाते हैं। अव्वल पे तो ओरिजिनल गाना तो कॉपी बिल्कुल भी नहीं कर लेना चाहिए, जैसे नाच पंजाब उन्होंने उठा के कर लिया, दैट वाज टोटली रॉन्ग। क्योंकि उस गाने के राइट्स किसके पास? मेरे पास है। अच्छा, मैंने बेचे नहीं किसी को।
लेकिन उन्होंने लंदन से किसी से खरीद लिए, पता नहीं वो कहते हैं जी हमने कोई एक मूवी बॉक्स करके कोई एक फ्रॉड सी कंपनी कामरान से। तो क्या ये क्या सीन है ये हमें थोड़ा सा बताया, मुझे भी यही पता चला था कि राइट्स उन्होंने वहां से खरीदे। तो बस उन्होंने एक ऐसे बंदे से राइट्स खरीद ली जिसके पास राइट्स नहीं थे, ये बात है। तो आप इसको अब देख रहे हैं इस मामले को? बिल्कुल, केस जो है वो कोर्ट में है, अब कोर्ट देख रही है, कोर्ट उनको नोटिसेस पे नोटिसेस भेज रही है और वो जवाब नहीं देते इसका। आपसे करण जौहर ने कोई रابطہ किया था? नहीं, मीडिया शीडिया के जरिए ही उन्होंने माजरत कर ली, हम क्रेडिट दे रहे हैं, आपका गाना है बड़ा अच्छा गाया वगैरह वगैरह ये वो सारे। सिद्धू मूसेवाला के हवाले से आप क्या कहेंगे, उसकी गायकी बड़ी डिफरेंट सी थी। मुझे वो बड़ा जबरदस्त लगता है, जो भी है जेन्युइन म्यूजिक, एक तो ठेठ पंजाबी मुझे उसकी कमाल लगती है, फिर उसने जो फैक्ट बयान किए अपने म्यूजिक में मुझे उसका बड़ा मजा आया। पॉलिटिकल गाने उसने इसीलिए बेचारे को शायद उन्होंने मार दिया कि वहाँ पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है इंडिया में, इसलिए उसने अपने एक्सप्रेशन का इजहार किया है और उसमें उसने कहा है बाकायदा इस अमर का इजहार किया है कि जो इस तरह करता है उसको गोली लग जाती है, ठीक है, मजबा दे उते क्या उसका तरमा दे, क्या उसका गाना था तरमा दे नाम थे, यानी मजहब के नाम पर डिबेट होगी और सच बोलेंगा ते लगू 296 जे करूँगा तरक्की पुत हेठ मिलूगी, यानी ये उसने जो सच बयान किया था। तो ये सारा कुछ अनफॉर्चुनेटली फिर उसके साथ भी हो गया, तो साबित हो गया।